हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग है, आज गुड फ्राइडे है। सो आप सभी को गुड फ्राइडे, मतलब शुभ शुक्रवार। सो आज गुड फ्राइडे है और कलीसिया में मीटिंग है, आज हमारा चर्च है। सो चर्च में बहुत से प्रोग्राम रखे हैं आज, तो अभी हम लोग शाम को जाएंगे, आज मॉर्निंग का नहीं है। वैसे हमारा संडे मीटिंग मॉर्निंग में होता है, सो हम शाम को जाएंगे। और एक बात आप लोगों से कहनी थी, तो बहुत से लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिए, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और देखते देखते साथ ही साथ लाइक भी कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। सो अभी आज सुबह हो गया है, अभी मैं नहा के रेडी हूँ। सो अभी देखते हैं पूरा दिन कैसे क्या होता है, आज पूरा दिन क्या करते हैं हम लोग। अभी मैं केक बनाने जा रही हूँ, मावा केक। सो रियांशु केक बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा मैं घर पे बना लेती हूँ, बना के डब्बे में रख दूँगी तो खाता रहेगा। सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ केक। ये केक बहुत ही अच्छा है खाने में, टेस्टी है, और घर में बनाने की वजह से है ये हाइजीनिक भी है, हेल्थी भी है। सो चलिए मेरे साथ आप केक बनाने की रेसिपी देखते हैं। तो मावा केक के लिए मैंने यहाँ पर ये मिल्क पाउडर लिया है, और ये बटर और दूध। सो मैं मिल्क पाउडर से मावा बनाऊँगी, रेडीमेड मावा नहीं ले रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले बटर को हम डालेंगे कढ़ाई में, ये बटर गया कढ़ाई में, बटर को मेल्ट होने देते हैं। सो बटर अच्छे से मेल्ट हो गया, अब इसमें मैं डालूँगी दूध, अब इसमें जाएगा मिल्क पाउडर। तो ये दो पैकेट है, 10 रुपीज़ का एक है, मैं इसमें दो पैकेट यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा मावा बनता है घर में। सो अब इसे हम फटाफट चलाते रहेंगे। इसको जब तक ये थिक नहीं होता तब तक इसे हम चलाते रहेंगे। यहाँ पर रियांश भी देख रहा है, भाई मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ बना रही है। सो इसके लिए बन रहा है अभी केक। हाँ, कौन खाएगा केक, कौन खाएगा? तो इसे हम चलाते रहेंगे तो ये ठीक कैसे होते जाएगा, इसे छोड़ना नहीं है, छोड़ दोगे तो ये जल जाएगा पूरा और चिपक जाएगा। सो इसे हम चलाते चलाते इसे अच्छे ठीक बनाएंगे, इसका जैसा मावा होता है। तो मैं होने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये थिक हो गया। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसे एक प्लेट में निकाल के थोड़ा ठंडा होने दूंगी, जब तक दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी और हमें क्या करना है केक बनाने के लिए। तो ये मैंने प्लेट में निकाल दिया है, सारा मावा रेडी है। तो यहाँ पर मैंने शक्कर को पीस लिया है, नॉर्मल शक्कर जो घर में होता है वो पीस लिया है। ऐसा एक बड़ा बर्तन हमें लेना है, और इसमें मैं सबसे पहले बटर डालूंगी, बटर और ये शक्कर डाल के हमें अच्छे से इसे फेंटना है। तो इतना बटर लिया है, इसमें मैं अभी शक्कर डालूंगी, ये इसमें शक्कर के, अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ के एक हाथ से मिक्स नहीं हो पाएगा मुझसे ये, तो मैं अच्छे से इसे मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। सो मैदा डालने के पहले, आपके घर में अगर ऐसा छन्नी होगा तो इसे पहले छन्नी रख लेना, उसके बाद हम मैदा डालेंगे। तो मैं ये इस कटोरी के मेजरमेंट में 1.5 कटोरी मैदे का आटा लूँगी, आप कोई भी बर्तन अपने हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये मैंने 1.5 कटोरी मैदा ले लिया, इसमें जाएगा 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर ये होता है ऐसा वाला बेकिंग पाउडर, ये 1 चम्मच डाला मैंने। अब इन्हें अच्छे से हम छान लेंगे इसके अंदर। तो ये देखो मैंने सारे छान लिए अच्छे से, अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे, दूध करके फिर इसे भी अच्छे से हम एक स्मूथ बैटर बना लेंगे इसका। इसको मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये कुछ इस तरह का हो गया। अब इसमें हम ये जो मावा हमने रेडी किया था ये हम डाल देंगे, ठंडा हो गया है, इसे आप डाल के मिक्स कर लो पूरा अच्छे से।
तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जब भी आप मिक्स करते हो तो उसे एक ही इसमें घुमा। तो यहाँ पर मैंने कुकर को फ्री हीट होने के लिए रख दिया है 5-10 मिनट पहले ही, और यहाँ पर ये बैटर रेडी है। मैं इसमें बनाऊँगी, इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। आप चाहे तो मैदा भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ऑयल से ग्रीस करके इसको इसमें डाल दूँगी। तो अभी इसमें मैंने डाल दिया, और इसे डालकर अच्छे से हमें टैप कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स या बबल्स ना रहे। तो ये फ्री हीट करने के लिए रखा था मैंने, अंदर ऐसा एक छोटा कोई भी आप बर्तन रख सकते हो। सो अभी इसे इसमें रख दूँगी मैं, और इसके ऊपर का हमको सीटी निकाल देना है कुकर के ढक्कन ऊपर से। और इसे मैं स्लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट तक रखूँगी स्लो पे, उसके बाद हम चेक करते हैं। तो ये मेरा देखो रेडी है केक। मैंने ऊपर से थोड़ा इसमें बादाम डाला है। अभी इसको मैं थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें पलटी कर दूँगी। सो निकाल के दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखो हमारा केक एकदम सॉफ्ट बना है, एकदम स्पॉन्जी। सो आपको तो ये है केक का लुक, आप देख सकते हो केक कितना स्पॉन्जी बना है, और ये पीछे से बहुत ही अच्छा ब्राउन बना है, ऊपर से थोड़ा कलर कम है। कोई बात नहीं कलर, लेकिन बहुत टेस्टी है ये, आप भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। सो गाइज, आपने देखा कि केक कितना अच्छा बना है, घर में बहुत ही अच्छा बना है और बहुत सस्ता। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो उसमें जितना आपको डालना है। सो मेरे पास बादाम था, लेकिन मुझे तभी ध्यान नहीं था तो मैंने बाद में ऊपर से डाल दिया थोड़ा वो क्रंची हो गया है बादाम की वजह से। सो बिना बादाम के भी ये, मतलब बिना ड्राई फ्रूट के भी अच्छा ही लगता है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।